गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। मैं अनीता, उत्तराखंड से। आप सबको मेरा नमस्ते। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार। नानी के लिए मैंने गैस में रख दिए, गैस कम कर दिया। थोड़ा आलस आ रहा था ना, मन कर रहा था थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा थक लग जाती ना सुबह सुबह। हस्बैंड तो उठते नहीं है, वो तो जब तक चाय ना दो ना तब तक उठते ही नहीं है। उनको तो बस उतना ही नहीं है, कितना भी बोल लो। पर क्या करना, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि ड्यूटी वाले होते हैं। तो हम तो ये कि दिन भर घर में रेस्ट कर लेते हैं, उनको कहाँ होता है रेस्ट करने के लिए। तो दिन में अगर चले गए ड्यूटी तो चले गए, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ। जब उनको चाय दो आराम से तब उठते हैं। चाय हमने पी ली थी, उसके बाद ना समझ ही नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाना। रोज़ की हम लोगों की यही टेंशन रहती है कि सुबह आके नाश्ते में बनाएं क्या, दिन में क्या बनाएं, रात में क्या बनाएं। हस्बैंड लोग से बोलो, बोलते बनाना तुमने, तो जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी दो। तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। फिर मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने कहा हस्बैंड को भी पसंद है, और ससुर जी भी खा लेते हैं, मेरे को भी काफ़ी पसंद है। तो मैंने फिर आलू बॉयल करे फटाफट, तो मैंने आलू के पराठे तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कहा कानों के लिए भी बना दूँगी, कानों के लिए भी आलू का पराठा हो जाएगा। पहले मैंने गाय की रोटी बनाई है, देखो छोटा सा कानों का पराठा है, आलू का पराठा। कानों का पराठा भी रेडी हो चुका है। अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो कानों को खिलाएंगे, क्योंकि कानों भी टाइम लगाता है ना खाने में, छोटा है अभी। तो इसलिए मैं हस्बैंड को भी बोलती हूँ तुम खिला दो। अब मैं फटाफट ससुर जी के लिए बनाती हूँ, तब उनको देती हूँ। ससुर जी ने भी खा लिया था, अब हमने बोला हम भी खा लेते हैं नाश्ता, क्योंकि पहले हम ससुर जी को दे देते हैं कानों को, उसके बाद खाते हैं। हस्बैंड के खाने का तरीका तो देखो, ये ना ऐसे रो रो के खाते हैं ना खाना सुबह। आखिर वो समय आ गया जब किचन गार्डन की खुद की उगाई हुई सब्ज़ी खाने का मौका मिला। वैसे तो 2-3 लौकियाँ खा चुके थे हम, पर आपके साथ शेयर नहीं करी थी, इसलिए मैंने सोचा आज आपको भी खिलाती हूँ अपने गार्डन की लौकी। ये देखिए दोस्तों, कितनी सारी लग रही है ना, जो छोटी छोटी हो रही थी वो बड़ी हो चुकी हैं अब। ये देखो, ये सबसे बड़ी लौकी, इसको तोड़ने आज हम मार के खेत में, इसका करते हैं आज हैप्पी बर्थडे। ये देखना दोस्तों कितनी प्यारी हो रही है ना, कुछ दिनों बाद नहीं बहुत बड़ी हो जाएंगी। मतलब लौकी जब लगती है तो जल्दी जल्दी हो जाती है फिर बड़ी ना, फिर उनको टाइम नहीं लगता, बस लगने की देर होती है। आज हस्बैंड को लेके आई हूँ मैं किचन गार्डन में, क्योंकि मेरे बस के नहीं थी ना तोड़ने। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप तोड़ दो, ड्यूटी जाने से पहले मैंने उनको बोला कि तुम तोड़ दो, ताकि मेरे बस के नहीं है, कहीं मैं गिर गुड़ गई तो। इसलिए वो तोड़ रहे हैं, चढ़ चुके हैं जंग के मैदान में ऊपर। पकड़नी पड़ेगी ऊपर ही। अच्छा ठीक है, हस्बैंड हो चुके हैं अब ड्यूटी के लिए रेडी, अब वो जा रहे हैं। मेरे को भी आना पड़ता है ना बाहर में, क्योंकि गेट खोलना पड़ता है, खुद तो गेट खोलते नहीं है, बोलते हैं फिर बाइक से उतरना चढ़ना पड़ता है, तो मुझे बोलते हैं कि आ तू आ जा बाहर, गेट खोल दे, तो मैं भी आ जाती हूँ कि चलो दिक्कत ना होने ना, तो इसलिए बाय भी कर रहे हैं। आज तो धूप भी कितनी ज़्यादा लगी हुई है ना, 2 दिन तो मतलब बारिश थी लगी हुई, तो बारिश के बाद ना कितनी तेज़ धूप आती है, एकदम से आज तो सहन भी नहीं हो रही है धूप। अभी जा चुके हैं ड्यूटी, अब मैंने कहा थोड़ा सा बैठती हूँ, आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ, उसके बाद जो बाकी काम बचा हुआ उसको निपटाती हूँ। आप लोगों का हो गया नाश्ता, हमारा तो हो गया, आज आलू के पराठे खाए, मेरे को ना बहुत पसंद है ना, इसलिए। ब्लॉगिंग करने में आप लोगों को जैसे पता ही है बहुत मेहनत लगती है, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे भी आगे और सपोर्ट करना और प्यार देना। आज के ब्लॉग को फ्रेंड मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि हम कहीं काम से चले गए थे हस्बैंड के ड्यूटी आने के बाद, क्योंकि कुछ काम था ना ज़रूरी, तो वहाँ चले गए थे, तो मैं ब्लॉग भी आगे नहीं कर पाई। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ,
अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।